हेलो एवरीवन, आज है 6 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मॉर्पेन लेबोरेटरीज के बारे में। देखिए, 62 रुपीज का ये शेयर है, बहुत ही ज्यादा चर्चा में आया है ये शेयर। एक महीने में ये वो शेयर है जिसे 90% का ग्रोथ दिया है। इवन पिछले 2 दिनों से 5% की गिरावट देखने को मिली, वरना अगर देखा जाए तो 100% से भी ज्यादा का पैसा इसने बनाकर दिया है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पिछले 2 दिनों में जो लगातार गिरावट देखने को मिली है, क्या ये डराने वाली गिरावट है? क्या यहाँ से और फर्दर गिरावट देखने को मिल सकती है, या फिर ये शेयर पिकअप करने की कोशिश करेगा? ओवरऑल खरीदारी का मौका बनता है कि नहीं, या फिर यहाँ पर जिन्होंने खरीदारी करी है उनको क्या करना चाहिए, उन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मॉर्पेन लेबोरेटरीज 62 रुपीज का शेयर है, एक महीने में देखें तो 3200 रुपए से उठ के शेयर 68 के करीब पहुंचा, लेकिन पिछले 2 दिनों से लगातार 5% की लोअर सर्किट बनी हुई है। लोग बेचना चाहते हैं लेकिन कोई खरीदने को तैयार नहीं है, तो किसी को मौका नहीं मिल रहा है बेचने का। 2 दिन से लगातार लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट बनाया जा रहा है। आज का दिन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कि आज यहाँ पर लोअर सर्किट बनेगी कि अपर सर्किट बनेगी, वो देखना काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। पिछले 1 साल में हम देखें तो 1 साल में 250% से भी ज्यादा का ग्रोथ दिया है इसने। और देखिए, 15 रुपए के ऊपर शेयर था पिछले बार कोरोना काल में, तेजी आई थी यहाँ पर, देखिए 32 रुपए के करीब पहुंचा था, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस कदर ये टूटा था। 32 रुपए का शेयर 20 रुपए पर आया था, मतलब आप समझ सकते हो कि 40% जितनी गिरावट हमें देखने को मिली थी, 35 से 40% जितनी गिरावट थी। लेकिन उसके बाद आप देखिए, फिर से तेजी दिखाई, फिर गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, ऑलमोस्ट फ्लैट रहा ये लंबे समय तक ये शेयर। और जैसे ही कोरोना की सेकंड वेव आई, इसने इतनी बड़ी आग पकड़ी कि अब इसको रोके रोकना मुश्किल हो चुका, क्योंकि एक बड़ी फंड रेजिंग भी यहाँ पर आई है। उसके अलावा अगर हम देखें तो इनका जो बिजनेस है वो जोर पकड़ रहा है, क्योंकि देखिए कोरोना की जो सेकंड वेव है उसमें लोग जिनको लक्षण नहीं भी है लेकिन फिर भी प्रिकॉशन के तौर पर लोग घर में दवाइयां रख रहे हैं, लोग घर में जो डिवाइसेस होती है, चाहे वो ऑक्सीमीटर हो, चाहे थर्मोमीटर हो वगैरह, अपने घर पे स्टोर करके रखते हैं। बीपी मीटर, ग्लूकोमीटर, ये सब लोग अभी हाल फिलहाल में घर पे स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि ऐसे हालात में कोई नहीं चाहता कि भैया वो बाहर जाए और ऐसे में उनको कोरोना का इन्फेक्शन लगे। तो लोग सेफ्टी के तौर पर ये डिवाइसेस अपने घर पे रखना पसंद करते हैं। और मॉर्पेन लेबोरेटरीज की अगर मैं बात करने जाऊं तो ये इनका 26%, कुल 100% का जो रेवेन्यू है उसमें से 26% का जो रेवेन्यू है वो इनका डिवाइस सेगमेंट से आता है, मतलब ग्लूकोमीटर हो गया, बीपी मीटर हो गया, ऑक्सीमीटर हो गया, ये सारी चीजें बनाने का काम कंपनी करती है और ये वाकई में अच्छी बात है। इम्यूनिटी बूस्टर भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। उसके अलावा आप देखिए, अगर आप मॉल में जाते हो तो भैया आपका टेम्परेचर मापा जाता है, तो वो भी मॉर्पेन लेबोरेटरीज बनाती है ये डिवाइसेस। इतना ही नहीं, कई सारी चीजें हैं, न्यूट्रिशन वाली चीजें हैं, जो चीज जो प्रोटीन जो अगर हम बात करने जाए हाल फिलहाल में अगर हम देखें तो हाई प्रोटीन की बात करें, जो ऐसी चीजें होती है, सप्लीमेंट्स जो होते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी बनाने का काम ये कंपनी करती है। ग्रोथ भी अगर देखें तो भैया अच्छी खासी ग्रोथ हमें देखने को यहाँ पर मिली है। हाल फिलहाल में ही इन्होंने एक बड़ा इन्वेस्टमेंट डील किया भी है स्विट्जरलैंड की कंपनी के साथ, 750 करोड़ का। तो कंपनी भैया काम तो कर रही है, अच्छा काम कर भी रही है। आप देखिए, मसल फूड्स की बात करें वो भी है, कई सारी चीजें ये कंपनी बनाती है, डिवाइसेस बनाती है, कई सारी चीजें हैं। और डेफिनेटली कंपनी का जो आने वाले समय में कंपनी का जो एक्सपांशन है वो बड़े पैमाने पर देखने को मिलेगा, क्योंकि 750 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है, डेफिनेटली उससे आने वाले दिनों में कुछ बढ़िया चीजें निकल कर आती हुई नजर आएगी। इतना ही नहीं, कंपनी अगर हम बात करें तो 4 फैसिलिटीज हैं इनकी, 82 से भी ज्यादा कंट्रीज में कंपनी के प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं, 800 से भी ज्यादा प्रोडक्ट है इनकी, 2300 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज है इनके। तो कंपनी दिखने में छोटी है लेकिन है बड़ी। बर्नौल की अगर हम बात करें तो ये भी बनाने का काम मॉर्पेन लेबोरेटरीज करती ही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफी बड़ा है इनका, इसमें कोई शक नहीं है। और कंपनी के बारे में अगर मैं देखना दिखाने की कोशिश करूं तो, और टिकर टाइप पे अगर हम देखें तो स्टॉक ने आपको एफडी से भी ज्यादा रिटर्न कमा कर दिया है। और जो हाल लिया जो प्राइस है 62 रुपीज का, उसको अगर हम देखें तो गुड टाइम टू कंसीडर एज स्टॉक इज नॉट ओवरबॉट जोन,
शेयर जो है वो ओवरबोट के जोन में नहीं है, तो डेफिनेटली आप एंट्री पर्सपेक्टिव से भी इसको कंसीडर कर सकते हैं, ये कहना है टिकर टाइप का, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा रेड फ्लैग्स कोई भी नहीं है, प्रमोटर के द्वारा कोई भी शेयर गिरवी नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे ये कहा जाए कि भैया ये रिस्की शेयर है। ओवरऑल देखा जाए तो भैया शेयर टिकर टाइप के अनुसार एक अच्छा शेयर माना गया है। यहाँ पर देखिए तो स्मॉल कैप शेयर है 2,800 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखने की कोशिश करें तो सिर्फ 21 लाख का ही वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिला था, बहुत ही कम वॉल्यूम ट्रेड है ये। आज अब कल के दिन में अगर हम देखें तो प्रमोटर के पास 34.54% की होल्डिंग है, प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 0.68% की होल्डिंग एफआईएल के पास है, म्यूचुअल फंड के पास कुछ भी नहीं है। 2.70% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिली है, लेकिन इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 42.97% है। यहाँ पर डिविडेंड की कोई हिस्ट्री अवेलेबल नहीं है। अगर मैं मॉर्पेन की बात करने जाऊं तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी शानदार है, तेजी के अभी भी संकेत है। भले ही 2 दिन में शेयर टूटा हो लेकिन अभी भी यहां पर तेजी के संकेत बने हुए हैं। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 79% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं और 14% लोग बेचने की बात कर रहे हैं, 7% लोग होल्ड करने की नसीहत यहाँ पर दे रहे हैं। मॉर्पेन लेबोरेटरीज के बारे में देखें तो देखिए गिरावट की जो वजह थी वो यही थी कि इनके जो क्वार्टरली रिजल्ट आए थे वो उतने अच्छे नहीं थे। सितंबर क्वार्टर में आप देखिए जहां 336 करोड़ का रेवेन्यू था वो दिसंबर में 307 करोड़ रहा, मतलब कम हो गया, और मार्च क्वार्टर में 285 करोड़ रहा, मतलब और ज्यादा कम हुआ, मतलब आप देखिए नीचे की तरफ गया है रेवेन्यू। लेकिन पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि पिछले साल 206 रुपए का शेयर था। लेकिन हमें यहाँ पर यह भी देखना है कि पिछले साल जब 206 रुपए का रेवेन्यू था तब शेयर का प्राइस भी आपको 25-30 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा था, लेकिन अब यह शेयर सीधा 70 के करीब पहुंचने आया है, तो वो चीज भी यहाँ पर हमें समझनी चाहिए। प्रॉफिट अगर हम देखें तो प्रॉफिट 11 करोड़ का पिछले साल का प्रॉफिट था, 19 करोड़ रहा, 27 करोड़ रहा, बाद में दिसंबर में डिक्रीज होकर 23 करोड़ रहा और अभी 26 करोड़ है। तो कम तो जरूर है, लेकिन फिर भी अगर एक चीज हम देखने की कोशिश करें तो मार्च क्वार्टर वो क्वार्टर था, अगर जनवरी महीने की बात करें, फेब्रुवरी और मार्च की बात करें, तो ये जो 3 महीने थे उसमें कोरोना का कोई डर नहीं था, लोग बेखौफ घूम रहे थे, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो डिमांड थी इन कंपनी के प्रोडक्ट की वो कहीं ना कहीं उतनी बड़ी नहीं थी। लेकिन अब अगर हम अप्रैल महीने को देखें, जून और मई महीने को देखें तो डिमांड में इजाफा हुआ है, डिवाइसेस का जो बिजनेस है वो काफी रॉकेट को छू रहा है। इतना ही नहीं, इनके कई सारी और प्रोडक्ट भी है जो भी उसमें भी आपको तेजी देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल मार्च क्वार्टर अच्छा नहीं था, लेकिन जून क्वार्टर बहुत ही बढ़िया होने वाला है, इसका इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, इससे पहले भी ये शेयर टूटा है, ठीक है, लेकिन जब भी टूटा है अच्छा बाउंस बैक दिखाया है, और कोरोना अभी भी अगर हम कहें तो ऐसा नहीं है कि चला जाएगा, कुछ महीने रहने वाला है ये, और ऐसे में फार्मा शेयर ट्रेंड में रहने वाले हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है वो डिमांड में है। आज जो पहले कोरोना से पहले जो ऑक्सीमीटर 700-800 रुपए का हुआ करता था, आज वो दो दो आज वो 2 से 3 हजार रुपए में मिल रहा है। तो आप समझ सकते हो कि किस तरीके से डिमांड बढ़ी है, किस तरीके से लोग अभी डेस्परेट हो रहे हैं इन सारी चीजों के लिए, और कहीं ना कहीं ये इन कंपनियों के लिए भी आप देखिए इनके प्रॉफिट्स में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, सेल्स में इनकी बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है। तो ओवरऑल आज की मैं बात करूं तो देखिए अभी 8:15 हुई है और मार्केट खुलने वाला है 9 बजे। मुझे लगता है कि 62 रुपीज का शेयर मॉर्गन लेको मुझे उतना महंगा अब नहीं लग रहा है, अगर इससे नीचे मिलता है तो सही बात है, लेकिन हाँ खरीदारी करी है मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए। फ्रेश बाइंग करना चाहो तो करो, लेकिन टुकड़ों में खरीदारी करो तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर आपको 1,000 शेयर खरीदने हैं तो पहले 200 खरीदिए, अगर थोड़ी और गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करिए, गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करिए, इस तरीके से आप टुकड़ों में खरीदारी करोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और कम से कम लॉन्ग टर्म का प्लान लेकर चलिए, एटलीस्ट 2-3 महीने का तो प्लान यहाँ से लेकर चलिए ही चलिए। डेफिनेटली कहाँ तक नीचे जाएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ वक्त रहते शेयर 75 रुपए के करीब आराम से आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ जाएगा। तो मॉर्पेन लेबोरेटरीज के लिए इतना ही कहूंगा, खरीदारी करिए, बने रहिए, यहाँ से जब जब भी गिरावट आए थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड करके आप चल सकते हैं, और 2-3 महीने में आप यहाँ पर 75 रुपए का टारगेट मान के खरीदारी भी कर सकते हैं। कंपनी जो चीजें बनाती है वो नेसेसिटी है आज के वक्त में, चाहे वो सप्लीमेंट्स की बात करें, चाहे डिवाइसेस की बात करें, या फिर चाहे और कोई प्रोडक्ट हो यहाँ पर।
तो आने वाले समय में डेफिनेटली इनकी डिमांड बढ़ने वाली है। कंपनी ने एक बड़ा इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर आया है और डेफिनेटली उसका भी इम्पैक्ट आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। अपने बिजनेस को एक्सपांड करने का जो प्लान है इनका, वो मुझे पसंद आ रहा है। यहाँ पर छोटी मोटी गिरावट आती रहेगी, हालांकि बड़ी गिरावट छोटी नहीं आई है पिछले 2 दिनों में, लेकिन फिर भी तेजी के मौके हमेशा यहाँ पर बने रहेंगे। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल वगैरह पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और मॉर्पल लेबोरेटरीज के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।